हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चोबित। इनके आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 12वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही कि CISF के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 56,600 रुपए पर मंथ की, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के पेड़ अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CISF रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए वैकेंसियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती होने जा रही है। जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मोड के बारे में, तो ऑनलाइन का रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कर अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पेमेंट मोड के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसका पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको इसका पेमेंट करना होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन राइटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, साथ में मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 12वीं 7वीं ग्रेजुएशन पास वाले इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, डोमेसल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, इस सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है 35,100 रुपए पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए फिजिकल टेस्ट डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी हाइट मांगी है फॉर मेल के लिए 165, वहीं फीमेल के लिए हाइट मांगी है 157 सेंटीमीटर, वहीं ऑल इंडिया नॉर्थ जोन के कैडेट के लिए यहाँ पर मेल के लिए 160, वहीं फीमेल के लिए हाइट मांगी 152 सेंटीमीटर। वहीं बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके रनिंग, साथ में लॉन्ग जंप के बारे में, तो यहाँ पर आपको 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पूरी करनी होगी, वहीं आपको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी यहाँ पर मेल को। वहीं बात करते हैं फीमेल को, तो यहाँ पर आपको 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी है, वहीं आपको 800 मीटर की दौड़
4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। साथ में आपको लॉन्ग जंप देना होगा 3 मीटर का। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 15 अप्रैल 2021, वहीं लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 मई 2021। यहाँ फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको इस वैकेंसी के लिए 5 मई 2021 के पहले आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको ये CAPF के अंडर ये वैकेंसी आई है, जिसका अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग सारी जानकारी पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।